It's a unique idea, but it does happen circumstantially. इस पेशेंट को थाई बोन का, जिसको हम फीमर बोलते हैं, उसका फ्रैक्चर था, और इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कि इसके पैर को ऊपर रॉड से लटका दिया जाता है, जिससे कि उसका ट्रंक ग्रेविटी के साथ नीचे लटकता है. तो इट्स अ वेरी टाइम स्टैब्लिश मेथड, वी कॉल इट गैलोज. जैसे फांसी पे लटकाते हैं तो वी हैंग द लिम्ब्स. उससे क्या होता है, ईज ऑफ नेचुरल नीड्स होती हैं, यूरिन पास करना है, टॉयलेट है, खाना खिलाना है. तो बिकॉज द पेशेंट हैज़ टू लाई डाउन लाइक दैट फॉर नियरली 2-3 वीक्स, सो दैट्स अ वेरी एस्टैब्लिश मैथड. वट वॉज यूनिक अबाउट इज द पेशेंट कम्स टू अ न्यू एटमोसफेयर, शी इज़ वेरी पेनफुल, शी कांट इवन गो टू द मदर. सो दिस पेशेंट वॉज वेरी, नो ऑल पेशेंट्स ऑफ सच टाइप्स दे कीप क्राइंग. शी वॉज ऑल्सो इन पेन, शी वॉज क्राइंग. इट वॉज द मदर्स आइडिया, who comes from a very ordinary background, that she is very close to a doll at home. So she brought that and we discussed it with her that how can we make that patient more comfortable. So probably we tied the doll also in the same position and it worked so well, the patient felt so comforted. She felt that there is somebody whose doll, who's so close to her, who's a friend of hers, also is lying next to her. She's similarly placed. So she felt good and somehow she took it in a very positive manner and that's it. नहीं तो सब बच्चे उसके आसपास भी बहुत खुश हैं इस बात से. एक तो एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट होता है, कुछ सब लोग दर्द में हैं, चीख रहे हैं, तो उसमें एक गुड़िया गुड्डी का, हम लोग भी दिवाली पे जैसे बैलून्स वगैरह लगाते हैं, तो इससे चेंज एटमॉस्फेयर विच इज़ गुड. एंड दिस गर्ल इन पर्टिकुलरली हैज़ बीन वेरी Not aside that now the media coverage is there, even before that in the hospital staff itself, she was very favorite for obvious reasons. And ऐसी बातें तो पहले भी established हैं, इस हद तक तो नहीं कि जैसे कोई बच्ची इंजेक्शन नहीं लगवा रही है तो पहले डॉल को लगा दिया इंजेक्शन, उसको देख के उसको लगा हाँ चलो इतनी ख़राब चीज़ नहीं है. तो इट शुड टेक नॉर्मली अबाउट 3 वीक्स, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते करीब हो गए हैं. शील बी देयर फॉर अनदर वीक. और अभी भी देखो चूंकि हड्डी जुड़ने वाली है या जुड़ चुकी है, लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं. कैन गो एंड सी इट, शी टेक्स टर्न्स. हमने उसको सीधा लिटाया है, वो उल्टी होकर डॉल के पास जाती है, तो विच इज एन इनडायरेक्ट एविडेंस दैट यस द बोन इज हीलिंग वेल. एंड शी ट्राइज टू गो टू द डॉल, शी ट्राइज टू पैम्पर हर, शी ट्राइज टू प्ले विद हर. सो दैट्स समथिंग वेरी डिजायरेबल. फैमिली बैकग्राउंड इनका किस तरह का है? शी इज फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड एंड वेरी एवरेज फैमिली, बट आई थिंक दे आर इंटेलिजेंट. सो यू नीड नॉट बी यू नो एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और बिग प्रोफेशनल टू बी इंटेलिजेंट. इवन अ मैनुअल लेबर कुड बी वेरी इंटेलिजेंट. ओनली थिंग इज दैट ही माइट नॉट हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिज इंटेलिजेंस. But now they have got the opportunity and और ये भी बात है, शायद हम लोग के यहाँ जो एक भ्रांति होती है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को इंटरटेन नहीं करते हैं, अच्छे से देखते नहीं हैं. दिस पेशेंट केम विद हर आइडिया एंड वी इंटरटेन्ड हर, वी सपोर्टेड हर एंड इट प्रूव्ड गुड. सो वी आर नॉट, वी मे बी बैड, वी मे बी कंसिडर्ड बैड आउट ऑफ आर बिजी शेड्यूल, बट इफ इट कम्स टू कंपैशन और ह्यूमैनिटी, आई थिंक वी मे नॉट बी ऑल दैट बैड, विच कुड बी प्रॉब्ली ऑब्वियस इन दिस पर्टिकुलर इवेंट.